हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। तो बेसिकली एक रिवीजन वीडियो है, और रिवीजन में भी कैसा वीडियो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको टाइटल देख के लग रहा है ये क्लिकबेट है, तो ये क्लिकबेट बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है ना ग्रुप 15 रिवाइज करने में 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो फिर क्या, चलो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग क्लास। ऑलराइट गाइस, सो यार आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली ये वीडियो मुझे सेकंड टाइम बनाना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम जो वीडियो बनाया था वो जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड हुआ था, फाइल पता नहीं संभाव करप्ट हो गई और वो वीडियो फाइल मैं दोबारा प्ले नहीं कर पाया। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो यार, ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे। तो ये नोट्स मैं जो है वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल अब मैं क्या करता हूँ, इन नोट्स को दोबारा नहीं पढ़ूंगा, एनसीईआरटी पर जाता हूँ, वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझाता भी हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यार, ग्रुप 15 एलिमेंट्स से आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ग्रुप 15 में हमारे पास में कौन कौन सा, देखो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है और एक मॉस्कोबियम है। मॉस्कोबियम को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक सिंथेटिक एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अभी कहाँ कहाँ पे मिलते हैं वो आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ने की इतनी कुछ ज़रूरत है। सीधा सीधा हम आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे यार, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5। तो नाइट्रोजन हो, चाहे फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या बिस्मथ हो, सबके आउटर मोस्ट शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे कि ये दो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन की हो गई हीलियम के बाद में 2s2 2p3। सिमिलरली फॉस्फोरस की हो गई 3s2 3p3, आर्सेनिक की हो गई 4s2 4p3 और इसकी 5s2 और इसकी 6s2 6p3। अब यहाँ पे जो है ना, ये बारी बात ठीक है, यहाँ हमें दूसरी चीज़ क्या पता चलती है कि जो पी अपना ऑर्बिटल है ना वो हाफ फिल्ड है। मतलब पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी सबशेल के ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो 3 मतलब हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, आगे जाके हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये चीज़ का समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं यार, यहाँ पे देखो सिर्फ इतनी सी है एक चीज़ और जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, सेकेंड शेल में जा रहा है ना, 2 लिखा है ना, 2s2 2p3। और यही अगर आप फॉस्फोरस में देखोगे तो वो थर्ड शेल में जा रहा है। अच्छा, आपको पता है कि जो डी सब शेल है वो थर्ड शेल में आ जाती है, जैसे 3d। तो भले ही नाइट्रोजन में क्या होगा, आप बोलोगे कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, डी में तो कुछ नहीं जा रहा, बट वहाँ पे डी है। ठीक है, वहाँ पे डी है और वो खाली है। इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा नाइट्रोजन जो बॉन्डिंग करेगा और जो बॉन्डिंग फॉस्फोरस शो करेगा। ठीक, तो ये आगे बात करेंगे लेकिन ये दिमाग में रखना है। तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब के पास में डी भी है और एफ ऑर्बिटल्स भी है, तो ये अपनी बॉन्डिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, नाइट्रोजन नहीं कर सकता, हम देखेंगे आगे। उसके बाद गाइस बात आती है, देखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की। तो इन जनरल क्या होता है यार, ऊपर से आप नीचे जाओगे, मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे, हमेशा इंक्रीज होगा। अब चाहे ग्रुप 15 हो, 16 हो, 17 हो, कोई भी ग्रुप हो, ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बस एक चीज़ और ये बता दिया कि यार जब हम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस आते तो साइज में काफ़ी चेंज देखने को मिलता है, लेकिन जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्मॉल इंक्रीज ही देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है, इस बात पे मैं वापस आऊँगा। अभी इन जनरल आप याद रखो कि भाई ऊपर से नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस ज़्यादा हो रहा है और आर्सेनिक से बिस्मथ में कम इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों है, इस पर हम आएंगे क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है जो इससे रिलेट करेगा, तो उस पर हम वापस आएंगे। आगे बात आ जाती है आयनेशन एंथैल्पी की। तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। तो अब आप समझ सकते हो यार कि ये जो है इलेक्ट्रॉन निकालोगे मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसके अलावा मैंने बताया था कि पी में 3 है तो ये और ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है। तो आप देखोगे नाइट्रोजन फैमिली की बात आती है, ऑक्सीजन फैमिली, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन फैमिली की उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होती जितनी नाइट्रोजन की होती है। रीज़न कि इसमें पी हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन में आप जाओगे तो कन्फ्यूगेशन हो जाएगी NH2NP4, मतलब पी में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हाफ फिल्ड खत्म, जो हाफ फिल्ड वाली स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये हो गया, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और 3 निकालोगे तो और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें और कुछ नहीं देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये भी क्या करता है, इसका भी सेम है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप की देख लो, नाइट्रोजन की देख लो, आगे ऑक्सीजन की देखोगे,
उसके अलावा हाइड्रोजन वाली फैमिली देखोगे सब में क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक तरह से अपने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयनेशन एंथैल्पी हो गया, ये सारे के सारे सेम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो अगर आपको इसका पता है तो सेम ट्रेंड ऑक्सीजन में भी फॉलो होगा, सेम ट्रेंड हाइड्रोजन में भी फॉलो होगा। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो बस आपको याद रखना ये सारी के सारी कैसे हैं, पॉली एटॉमिक है, मतलब सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन हमेशा आपको N2 में दिखेगा, फॉस्फोरस P4 में दिखेगा, इस तरह से। तो सारे के सारे कैसे पॉली एटॉमिक है, बस एक एक्सेप्शन है कि जो नाइट्रोजन है हमारा वो गैस है और बाकी के सारे कैसे सॉलिड्स है। एक और एक्सेप्शन रहेगा यहाँ पे कि नाइट्रोजन को छोड़ के सब एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल फिजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट होना, जैसे कि फॉस्फोरस क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है, इस फॉर्म में होता है। या फिर सिंपल एलोट्रॉपी का एग्जाम्पल है कार्बन का, जो डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है क्या, दोनों कार्बन है, तो वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म दिखाएंगे, किसको छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ये भी याद रख लो कि जो देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है MP एंड BP, ये जब भी आप ऊपर से नीचे चलोगे ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जाओगे, हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होगा, अदरवाइज इन जनरल आप मान के चल सकते हो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट तो पता ही है कि इंक्रीज होगा जब भी आप कभी डाउन द ग्रुप जाओगे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, देखो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ, तो ये एक एक्सेप्शन है। अब इसका एक्सेप्शन क्यों है इस पर हम नहीं जाएंगे, तो फिर भी आप चाहो तो उसको ध्यान में रख सकते हो, बिकॉज ये एक्सेप्शन है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कहाँ तक, आर्सेनिक तक इंक्रीज कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन के बाद में फॉस्फोरस का इंक्रीज होगा, फॉस्फोरस के बाद में आर्सेनिक का इंक्रीज होगा, फिर आर्सेनिक के बाद में एंटीमनी और बिस्मथ में वो डिक्रीज करेगा। ये एक्सेप्शन है, ये मैंने नोट्स में भी एक्सेप्शन करके लिख दिया है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखो यार केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ये तीन शो करते हैं, -3, +3, +5। अब देखो -3 क्यों करते हैं, ये तीनों को मैं एक करके बता देता हूँ भाई। इनके लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए या फिर अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -3। उसके अलावा ये 3 लूज भी कर सकते हैं और 5 भी लूज कर सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, -3, +3, +5। अब यहाँ पे आएगी एक असली चीज जो आपको ध्यान रखना है, वो है ये, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये क्या बात हो गई कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर हम नीचे 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 चलते चले जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगी, मतलब +5 अगर मैं बोलूं आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, ये +5 में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे, ये +3 में रहना पसंद करेंगे। और ऐसा क्यों है, ऐसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन के थ्रू है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। +3 इंक्रीजेस मतलब +5 की स्टेबिलिटी कम हो रही है, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो और +3 की बढ़ रही है, और इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने अपनी मेन वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, अभी जो लोग नए हैं पहली बार नाम सुन रहे हैं या नाम सुना है कुछ याद नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप ऐसे समझ लो इसका, देखो टर्म को समझो, इनर्ट पेयर, ठीक है, इनर्ट मतलब जो चीज़ रिएक्ट नहीं करती है और पेयर मतलब हो गया तो अगर हमने ये क्या बताया था कॉन्फ़िगरेशन की है NH2NP3, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ये जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना ये बॉन्डिंग में पार्ट लेना बंद कर देते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट लेना बंद कर देते हैं। तो देखो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो उसे +3 दिखाएगा ये, क्योंकि जो बाकी जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्ट ही नहीं लेंगे, समझ गए। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि NS के इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा और न्यूक्लियस के पास रहेंगे। अब इसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है पुअर शील्डिंग ऑफ DNF ऑर्बिटल्स। अगर आपको ये बात आ गई समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आ गई तो भूल जाओ। इतना समझ लो कि भाई जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाओगे जो NS वाले इलेक्ट्रॉन है, NS में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बॉन्डिंग में पार्ट ही नहीं लेंगे। अब ये अपने नाइट्रोजन फैमिली के लिए भी ट्रू है, ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी ट्रू है, हैलोजन्स के लिए भी ट्रू है। तो सब जगह आप देखोगे कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कम वाली नीचे ज़्यादा स्टेबल रहेगी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप चलते चले जाओगे। अब यही रीज़न है जो मैंने आपको बोला था कि एक पॉइंट पर हम लोग वापस आएंगे, जो था साइज में, बोला ना आर्सेनिक से बिस्मथ में सिर्फ एक स्मॉल इंक्रीज ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो NS वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को थोड़े और पास चले जाते हैं, तो पास चले जाएंगे तो भले ही साइज बढ़ेगा लेकिन उतना एक ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेगा जो आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साइज में देखने को मिला था। तो इसलिए मैंने बोला था तो हम वापस आएंगे, तो इसका भी आप रीजन बोल सकते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो इनर्ट पेयर ये बहुत खतरनाक चीज है और तीनों जगह काम आएगा ये, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, सब में इनर्ट पेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा यार ये वाली रिएक्शन ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, जब कंफ्यूज हो जाओगे तो इसमें हम नहीं करते। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो ये कि नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। तो यार ये वर्ड कोवेलेंसी का मतलब होता है कि कितने कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो नाइट्रोजन जो है वो लिख लो, मतलब लिख के हम नोट्स दे दूंगा, नाइट्रोजन जो है 4 से ज्यादा बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं कर सकता। उसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं वो 5 बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। देखो, नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ध्यान से समझना, प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन दिखाएगा, लेकिन जो उसकी कोवेलेंसी है मतलब जितने वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वो कभी भी 4 से ज्यादा फॉर्म नहीं कर सकता। एंड अगेन द रीजन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसलिए 4 से ज्यादा एक्सटेंड कर ही नहीं सकता। देखो मैं बहुत क्विकली बताता हूँ कि क्यों नहीं कर सकता। देखो ये है मेरा 2s ऑर्बिटल, ठीक है, ये है मेरा 2p ऑर्बिटल, ओके। अब आपको पता है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले p में भर लेते हैं। देखो p में आपको पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आपको 2s में पता है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज़ बताओ, इसे बॉन्डिंग करनी होगी तो बॉन्डिंग में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, तो उसके पास सिर्फ 2p ही तो अवेलेबल है जहाँ पे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, भाई एस में तो कर नहीं सकता, और डी इसके पास में है नहीं। अगर यही फॉस्फोरस का केस होता तो आगे हमारे पास में डी होती खाली, तो हम एक इलेक्ट्रॉन 2s का उस डी में ले जाते और 5 बॉन्ड बना लेते। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ पी के थ्रू ही हो सकती है, किसके थ्रू हो सकती है, 2p के थ्रू, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 3, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4, तो चौथा बॉन्ड कौन बनाएगा, चौथा बॉन्ड यार बनाएगा आपका ये 2s, ये एज इट इज इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। जैसे कि अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, NH4 में क्या होता है कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो एक सीधा हाइड्रोजन के पास चला जाता है, तो वो NH4 पॉजिटिव इस तरह से बनता है। तो नाइट्रोजन 4 से ज्यादा कभी नहीं बनाएगा, एंड रीजन क्या होगा इसका, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, और बाकी हैवियर एलिमेंट्स में डी होती है तो वो ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है, 4 से ऊपर जा सकते हैं। एक और चीज यार यहाँ पे देखो पॉइंट आप बता सकते हो, वो है ये कि जो नाइट्रोजन है आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो करता है पी पाई बॉन्डिंग करता है, क्या करता है, पी पाई। अब पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, डिटेल में फिर से नहीं जाएंगे। देखो जो भी, अब आप इतना तो समझ गए कि नाइट्रोजन का जो भी मतलब मोस्टली जो बॉन्डिंग होगी वो 2p के थ्रू ही होगी। तो नाइट्रोजन कभी अगर अगले नाइट्रोजन से 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो बेसिकली क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग होगी सारी 2p के थ्रू ही होगी, है ना। और आपको पता है कि हेड ऑन हेड, छोड़ो मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, ये समझ लो कि यहाँ पे बॉन्डिंग किसके थ्रू हो रही है, पी ऑर्बिटल के थ्रू हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई मतलब बॉन्ड तब बनता है जब डबल या ट्रिपल में आप जाते हो, तो नाइट्रोजन ने अगर 3 बॉन्ड बनाए तो वहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा निकल के, तो ये कौन सी बॉन्डिंग, वही पी पाई बॉन्ड। इसके जो अदर मेंबर्स हैं उनके पास डी भी है तो वो पी पाई बॉन्डिंग भी करेंगे और डी पाई बॉन्डिंग भी करेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज उतना ज़्यादा मत होना, बट इतना याद रख लो। अब नाइट्रोजन की बात आती है एनोमेलस प्रॉपर्टीज की, नाइट्रोजन जो है वो थोड़ी अतरंगी प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखो ये जो है, हम ग्रुप 15 ले लें, 16 ले लें, 17 ले लें, सब में जो ऊपर का मेंबर होता है वो यही काम करेगा, ऑक्सीजन भी एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करेगा, फ्लोरीन भी एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करेगा, और सबके करने का रीजन सेम ही है। पहला है भाई उनका स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई एनर्जी एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो 4 पॉइंट हो गए, ये चारों के चारों ऑक्सीजन के लिए भी ट्रू है और चारों के चारों फ्लोरीन के लिए भी ट्रू है। तो ऑक्सीजन भी अपने ग्रुप से एनोमेलस बिहेवियर शो करेगा, फ्लोरीन भी करेगा, और रीजन सबका क्या हुआ, यही 4 पॉइंट। तो बहुत अच्छी बात है, आपको उनमें भी समझ में आ गया, अब आपको एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन भी समझ आ गया, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन भी समझ आ गया, ठीक है। और क्या करेगा, पी पाई बॉन्डिंग करेगा, और वो लोग भी सारे यही करेंगे, ऑक्सीजन भी पी पाई करेगा। अब बस यार एक चीज यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये, जो कभी भी यार आ सकता है। देखो मैंने नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया और एक जगह सिंगल बॉन्ड बनाया फॉस्फोरस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें से, तो सरप्राइजिंगली आपको लगेगा कि नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड छोटा होगा, बिकॉज नाइट्रोजन का साइज कम है तो बॉन्ड भी छोटा बनाएगा, और छोटे बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना, उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में फॉस्फोरस का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यार ये इतना छोटा है कि इस नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे, देखो हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो है ये फॉस्फोरस वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा। देखो यहीं लिखा है कि आगे जाके कहीं तो आएगा,
देखो एन एन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन. तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बस. और उसके अलावा उन्होंने बता दिया कि बाकी के देखो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि इनमें डी है और पाई मतलब डबल डे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो पाई बॉन्ड आ जाता है वहाँ पर. तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. ये याद देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हम सारे ग्रुप्स में पढ़ेंगे, इस ग्रुप का समझ लो बाकी का आप अपने आप समझ जाओगे. तो देखो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन बना लेगा NH3, फॉस्फोरस बना लेगा PH3, ठीक है. आर्सेनिक बना लेगा ASH3, एंटीमनी बना लेगा SbH3 और बिस्मथ बनाएगा PaH3, ठीक. अब इसमें देखो दो तीन चीज़ें होती है जो आपको समझनी होती है. पहली होती है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी या फिर हम बोलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब बॉन्ड किसका स्ट्रांग है. तो फिर से यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना ही वो वीक होगा. अब इसका मतलब सबसे स्ट्रांग कौन, सॉरी जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना ही वो स्ट्रांग होगा. इसका मतलब सबसे स्ट्रांग कौन होगा, नाइट्रोजन मतलब NH3, और सबसे वीक कौन होगा, बिस्मथ हाइड्राइड BaH3, ठीक. तो स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई, तो वही लिखा है यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर ऑफ रिड्यूस और नॉट बेसिसिटी, सॉरी मैं गलत हाईलाइट करूँ, स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है आपका वो यही रहेगा, सबसे ज़्यादा NH3 स्टेबल होगा और सबसे कम होगा BaH3, ठीक है. तो जैसे इन्होंने जो बेसिसिटी लिखा है इसका ऑर्डर भी सेम ही है, वो मैं आऊँगा इस पर एक मिनट. तो अब स्टेबिलिटी समझ गया, मतलब जो अब चाहे ऑक्सीजन का वो हाइड्राइड्स हो ऑक्सीजन फैमिली के, चाहे हैलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हो, जो नीचे वाले हाइड्राइड्स होंगे वो सबसे कम स्टेबल होंगे, ऊपर वाले सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है. जैसे ऑक्सीजन के केस में OH2 या फिर H2 वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और लास्ट में क्या रहेगा, पोलोनियम वाला हाइड्राइड सबसे बेकार होगा. सिमिलरली हैलोजन के केस में HF सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और HI सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक. अब देखो यार इन सबके पास में हाइड्रोजन है, अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, जैसे NH3 के पास हाइड्रोजन है, सबके पास में हाइड्रोजन है क्योंकि हाइड्रेट की बात कर रहे हैं. तो अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, और अगर हाइड्रोजन किसी से भी जाकर अटैच हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ का रिडक्शन हो गया. भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मान लो, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मान लो, या फिर इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन मान लो, ये सब क्या है, रिडक्शन है. तो इसका मतलब ये हाइड्राइड्स रिडक्शन करवा सकते हैं. अब मैं पूछूं कि यार सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो सिंपल सा आंसर होगा जो जल्दी ब्रेक हो जाएगा. तो सबसे जल्दी कौन ब्रेक हो रहा है, BaH3. तो इसका मतलब अगर रिडक्शन हम पावर की बात करें तो BaH3 सबसे ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और NH3 सबसे कम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है. ये बात मैंने नोट्स में अच्छे से लिखवा दी है. सिमिलरली अब अगर आप ये ऑक्सीजन फैमिली या हैलोजन में जाएंगे तो वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी. तो जैसे कंपेयर करने को आ जाता है कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो HF, HCl, HBr and HI की, तो वहाँ पे HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की जैसे बिहेव करेगा, बिकॉज उसका बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. अच्छा इसमें बस एक चीज़ और कि यार ये जो है ना बेस के जैसे एक्ट करते हैं, ये एक वीक बेस के जैसे एक्ट करते हैं जो जो नाइट्रोजन वगैरह है, और इनका वीक बेस के जैसे एक्ट करने का रीज़न होता है प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर. तो लुईस बेस एक कैटेगरी होती है. लुईस बेस कौन से बेस होते हैं, जो किसी को भी लोन पेयर दे देते हैं. तो अगर आप किसी को भी लोन पेयर दे सकते हो तो आप लुईस बेस कहलाओगे. तो ये सारे के सारे लुईस बेस है, लेकिन अगर बेसिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, और फिर धीरे धीरे सब रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है. सबसे बेसिक कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, बाकी सब रिड्यूस होता चला जाएगा. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. अब उसका भी आप वैसे भी यहाँ पे अगेन इनर्ट पेयर वाला एग्जांपल लेके समझ जा सकते हो कि जो नीचे नीचे जैसे आप जाओगे तो जो दो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्ट ही नहीं लेना चाहेंगे, तो वो किसी को डोनेट ही नहीं होंगे. जब डोनेट नहीं होंगे तो बेसिसिटी नहीं आएगी. तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो. अच्छा एक और बस लास्ट पॉइंट इसमें, अगर हम जैसे हमने ये तो समझ लिया कि जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन अगर हम NH3 और PH3 में कंपेयर करें तो इनके जो है यार हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इसका रीज़न होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है. सिमिलरली ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन के हाइड्राइड की बात करेंगे, मतलब H2O और H2S में जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और H2S में नहीं हो जाएगी. तो क्वेश्चन बहुत बार ऐसे आएगा कि यार वाई NH3 इज अ लिक्विड एंड PH3 इज अ गैस, या फिर वाई H2O इज अ लिक्विड एंड SO2 इज अ गैस. तो आप बताओगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. या सिमिलरली वाई HF इज लिक्विड एंड HCl इज गैस, अगेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीन ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं. तो इसलिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट अगर हम NH3 और PH3 में कंपेयर करें तो NH3 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. यहाँ पे आ गया, अब देखो ये आ गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाएगा, E2O3 एंड E2O5. आपको सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है. इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे वो देखने का कि यार ये सारे के सारे कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे उनका एसिडिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा.
अगर हम E2O3 की बात करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के होंगे वो एसिडिक होंगे, आर्सेनिक और एंटीमरी कैसे होंगे एम्फोटेरिक होंगे, और बिस्मत वाला कैसा होगा बेसिक होगा। तो यार ये ध्यान ही रखने का है, रख सकते हो तो ठीक है। सिमिलरली अगर रिएक्टिविटी टू हाइड्रोजन तो दो टाइप के हैलाइड बनाएंगे EX3 एंड EX5। आपको पता है कि नाइट्रोजन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो नाइट्रोजन कभी भी EX5 की कैटेगरी का कोई भी हैलाइड नहीं बनाएगा। अगेन रीजन क्या होगा, यू नो वेरी वेल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक, तो वही सब यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, उसके अलावा बाकी ज्यादा की कौन से बोले तो उसको छोड़ो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, तो यहाँ पे बस ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं नाइट्राइड, कैल्शियम से करेंगे तो कैल्शियम नाइट्राइड बना देंगे, फॉस्फोरस करेगा कैल्शियम तो कैल्शियम फॉस्फाइड हो जाएगा, तो वो आइड बना देंगे, मतलब नाइट्राइड फॉस्फाइड आर्सेनाइड इस तरह से। अब आता है NCERT का क्वेश्चन। ठीक है, तो वही बता रहा है कि देखो नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन शो करता है बट ये कभी भी पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा। तो आप उसको बता दोगे फिर से भाई कि इसमें डी ही नहीं है लिखा ना, इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। पता है आपको, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, PH3 हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी बताया था। अच्छा आगे देख लो, वाई आर पेंटाहैलाइड्स ऑफ ये आर मोर कोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स। अच्छा ये देखो एक चीज यहाँ पे और मैं बताना भूल गया, जैसे अब हम जब हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो दो बन रहे हैं, EX3 बन रहा है और EX5 बन रहा है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो E का मतलब जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा और यहाँ पे +5 होगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन किसी का भी नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट होगा। ये हो सकता है कभी एसोसिएशन रीजन में आ जाए कि भाई पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स, या सीधा बोलते हैं कि पेंटाहैलाइड ऑफ फॉस्फोरस आर मोर कोवेलेंट देन, या PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl3, और रीजन में देते कि हायर ऑक्सीजन स्टेट टेंड्स टू पोलराइज एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज मोर कोवेलेंट इन नेचर। तो आपको याद रखना है कि जितनी हायर ऑक्सीजन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ये मैंने डिटेल में समझाया बट अभी के लिए इतना ही याद रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखो डाई नाइट्रोजन पे। डाई नाइट्रोजन का यार एक लेबोरेटरी मेथड है जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 की रिएक्शन करवानी है और बन जाएगा नाइट्रोजन, बाकी का वाटर बनेगा और NaCl बनेगा। तो सिंपल से अगर आप ऐसे देखोगे NaNO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा नाइट्रोजन गैस, वाटर और नमक, ऐसे याद कर लो। उसके अलावा जैसे आपको K2Ca2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होगा, तो यहाँ पे K को रिप्लेस कर दो आप अमोनियम से, तो NH4 होल ट्वाइस और फिर Ca2O7, उसको हीट करोगे तो फिर भी नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, आगे का इसको देखो। अब क्या अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना आपको, तो आपको पूरा बैलेंस रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस पता है कि रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट क्या है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी प्योर नाइट्रोजन अगर आपको बनाना है तो आप बनाओगे अजाइड से, अजाइड को सिर्फ हीट करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, मतलब हीट करना है और ये बन जाएगा। ये रिएक्शन पे क्वेश्चन भी है तो ये वाली इंपॉर्टेंट होगी। अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आपको पता है नाइट्रोजन क्या है, कलरलेस है, ओडरलेस है, इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे और ये सब। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपको रिएक्शन याद रखनी है, वो है ये वाली कि भाई ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अमोनिया बना देता है जो कि ये हैवर प्रोसेस। अब आप बोलोगे कि भाई नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा स्टेबल था, इनर्ट था, फिर ये बॉन्डिंग क्यों कर रहा है? तो वो बॉन्डिंग तभी कर रहा है जब आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर प्रोवाइड करो। ठीक है, समझिए बात। चलो बाकी मेन यूजेस हो गया इसका, क्या हो गया नाइट्रोजन का अमोनिया बनाना और उसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाना, ये सब। क्वेश्चन आ गया देखो, राइट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड, आपको पता ही है अजाइड को ब्रेक करेंगे, जो भी उसका साथ में मेटल होगा वो अलग चला जाएगा और नाइट्रोजन बन जाएगी। सिमिलरली बोलो बोला वाई N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, तो भाई N2 बिकॉज उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना हर किसी की बस की बात नहीं, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पर उस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में ही मिलेगा। तो बोलोगे बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। नेक्स्ट आ जाता है यार अमोनिया। अमोनिया के देखो किस किस से बना सकते हैं, तो ये तो ये यूरिया NH2CO NH2, बट इसको जाने दो, हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है बनाने का इंडस्ट्रियल स्केल पे, वो है हैबर प्रोसेस, जहाँ पे N2+CH2 2H3 बना देता है। बस आपको इतना याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ में याद रखनी, वो है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, कि अगर आपको जो अमोनिया बन रहा है उसकी यील्ड बढ़ानी है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे तीन कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, क्या क्या रखनी पड़ेगी, देखो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यही तीन कंडीशन है। अगर आपने ये दे दी तो यील्ड जो है बढ़ जाएगी। जैसे कि आप ये देख लो यहाँ पे, ये सिंपल से उन्होंने ओवरव्यू बनाया हुआ है हैबर प्रोसेस का। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे लगा कंप्रेशन, ये क्या कर रहा है प्रेशर बढ़ा रहा है। उसके बाद में ये क्या कर रहा है, देखो कैटलिस्ट के निकल रहा है, कैटलिस्ट के चेंबर से, और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो हो गई तीनों कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट।
तो जो भी होगा वो अमोनिया बन जाएगा, और अमोनिया पता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और जो भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचे होंगे वो फिर से जाके घूम के इस चेंबर में वापस आ जाएंगे और रिएक्शन चलती रहेगी। अमोनिया की बात करें तो उसकी यार स्मेल बहुत ही पंजेंट होती है, मतलब ऐसे नाक में घुस जाती है सूंघो तो, इसलिए सूंघना मत, और सूंघो भी तो बहुत धीरे से ऐसे करके, मेरे में घुस चुकी है इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको यार इतना कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है इस रिएक्शन में, बस अमोनिया बेसिक होता है तो उन्होंने दूसरा उसका एग्जाम्पल दे दिया कि अमोनिया वाटर रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया माइन और OH माइनस बन जाएगा, तो बेसिक दिखाने के लिए, और रिएक्शन को आपको ध्यान नहीं रखना है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाई डज NH3 एक्ट एज अ लुईस बेस, तो मैंने बताया था लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन आ गया मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, तो अभी आपको बताते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट, वही आ गया। और हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद कॉपर, अब देखो ये वाली रिएक्शन आप कैसे याद रख सकते हो, तो देखो सिंपल क्या है, Cu डबल पॉजिटिव है ना, जब आप उसकी रिएक्शन करवाओगे NH3 से तो बनेगा क्या, वो मैं ये लिख देता हूँ, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा जहाँ पे कॉपर तो अंदर रहेगा और जो NH3 है ना वो चार आके लग जाएंगे, कितने चार, और ब्रैकेट पे चार्ज क्या रहेगा +2 का ही रहेगा। देखो बस ये रही है रिएक्शन, और ये कैसा होगा, डीप ब्लू कलर का होगा, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि जो भी देखो कुछ नया तो नहीं है, वही उसको रिपीट करना है, लिखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा ऐसे, क्योंकि एग्जाम मतलब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है तभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज को हम डिस्कस नहीं करते। ऑलराइट गाइस, आप देखो अब आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट वगैरह ना सब निकाल के देख लेना कि जो इन्होंने दिया वो तुम्हारी आ रही है या नहीं आ रही है, इसके सिर्फ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बस, उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है भाई NO2 डाइमराइज, जो NO2 है वो डाइमराइज क्यों करता है, इसका रीज़न ये है कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑड आते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये NO2 बना हुआ है, तो देख रहे हो यहाँ पर अगर आउटर मोस्ट में आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो देखो ऑक्सीजन के इधर 6 हैं, इधर 4 हैं, 10, और एक नाइट्रोजन पे 11, तो ये पूरे मॉलिक्यूल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं वो कहते हैं ऑड है, तो ऑड होने की वजह से इसको इवन करने की कोशिश करता है और ये डाइमराइज कर जाता है। तो बेसिकली क्या होगा, जो नाइट्रोजन पे एक एक बचा हुआ है ये क्या करेगा, इसके थ्रू बॉन्ड बना के तो ये N2O4 में आ जाएगा, तो बस वही लिखा है, उन्होंने लिखा है NO2 कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ विच इट बिहेव्स लाइक अ टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल और ये डाइमराइज कर लेता है। ये मैंने बाद में पहले मतलब मेन वीडियो में अच्छे से बताया, बट आप अभी के लिए इतना काम चला सकते हो। अगला क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, तो N2O5 का स्ट्रक्चर देख लो, वैसे हमें पता है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4, मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो हम N2O5 पे वापस आते हैं। देखो ये रहा हमारा N2O5, तो कोई ये वाला नाइट्रोजन देखो तो ये क्या कर रहा है, ये वाले ऑक्सीजन से एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये वाले ऑक्सीजन से एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक से डबल बना रहा है, तो हो गए 4 बॉन्ड, इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4, ठीक, चाहे दोनों में से कोई भी देख लो आप। अब इसका बचता है गाइस लास्ट टॉपिक, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड के बाद का हटा दिया गया है इस बार के सिलेबस में, तो सिर्फ हम नाइट्रिक एसिड को डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट, वी आर डन। अब नाइट्रिक एसिड यार बनाने में देखो कौन से हम प्रोसेस का यूज करते हैं, वो है मेन ओसवाल्ड प्रोसेस, ये वाली रिएक्शन मत ध्यान रखना चलेगा, लेकिन ओसवाल्ड प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं आपको कितना सिंपल तरीके से बताऊंगा ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एयर या फिर बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, तो अगर हम अमोनिया को ऑक्सीडेशन करवा देंगे उससे बनेगा नाइट्रिक एसिड। अब देखो कैसे, तीन रिएक्शन है तो कितनी सिंपल सी, देखो पहले मेरे पास में है, मैं खाली जगह देखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी खाली जगह, देखो पहले मेरे पास है NH3, इसका मैंने ऑक्सीडेशन करवा दिया O2, तो मेरे पास में बनेगा NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो भी बनेगा उसको जाने दो, वैसे तो वाटर बनेगा बट ठीक है, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हमें बैलेंस करना ही नहीं है, ठीक है। अब क्या बना हमारे पास में, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बना, अब NO को मैंने क्या किया, फिर से ऑक्सीडाइज करवा दिया NO+O2, तो अब बन गया NO2, और तीसरी प्रोसेस में क्या किया, जो NO2 बना उसमें मिला दिया पानी और बन गया हमारा नाइट्रिक एसिड प्लस NO, इसका मतलब जो ये NO बचा ये फिर से रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब फिर से अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करवा दें तो NO2 बन जाएगा और पानी मिलाएं तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो बस यही तीन इतनी सिंपल सी रिएक्शन है ओसवाल्ड प्रोसेस की, फिर से पढ़ लो, देखो N+O2 NO बना, NO को फिर से ऑक्सीडेशन करवाया NO2 बना, NO2 में पानी मिला दिया बन गया नाइट्रिक एसिड, और जो ये नाइट्रिक एसिड बना है ऐसा, इसको हम मैक्सिमम 68% बाय मास ही बना सकते हैं इस प्रोसेस से, और हमें अगर नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करें, वाटर हटा देंगे उसका, मतलब डिहाइड्रेट कर देंगे, तो हमें 98% प्योर नाइट्रिक एसिड मिल सकता है, ठीक है गाइस। आप बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, मेरे ख्याल से तो शायद नहीं पूछेगा, आपको पता ही है कि नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किसी को भी नहीं छोड़ता है, नोबल मेटल्स को छोड़ के बाकी ये सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब
इसमें देखो यहाँ पे ये पूरा खत्म हो जाता है, मैं आपको फिर भी बोलूंगा यार यहाँ पे ना दो रिएक्शन और याद रख लेना। जैसे ये जो चार रिएक्शन दे रखी है ना, यहाँ पे देखो क्या है, कॉपर है और डाइल्यूट HNO3 है, कॉपर है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डिपेंड करता है कि डाइल्यूट HNO3 ले रहे हो या कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो अलग अलग बनेंगे। जैसे अगर आपने डाइल्यूट लिया तो NO बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो NO2 बनेगा। ऐसे जब हम जिंक की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट लिया तो क्या बनेगा N2O, और कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो NO2 बनेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कॉपर और जिंक, मतलब कॉपर एंड जिंक, जब भी कभी हमने इसकी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे वो NO2 ही बनेंगे, ठीक है। और कॉपर और डाइल्यूट में NO और जिंक और डाइल्यूट में N2O। तो ये याद रख लेना है, क्या पता कोई ऐसे उठा के दे दे कि एक ये रिएक्शन दे दे और पूछे कि विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी फॉर्म व्हेन यू रिएक्ट कॉपर विद कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट HNO3, या फिर व्हेन यू रिएक्ट जिंक विद कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट HNO3। तो आपको ये शायद मेरे ख्याल से क्या पता यार आज है। और यहाँ पे ही गाइस आपका ग्रुप 15 जो है वो खत्म हो जाता है। तो ग्रुप 15 के यार जो मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखे हैं गंदी गंदी हैंड राइटिंग में, अगर आपको पढ़ने में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसका मैं PDF नीचे अटैच कर दूंगा। प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करना, और अगर आपको इस तरह की NCERT खोल के टिक वाली वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे बताना, मैं आगे की ग्रुप के लिए भी करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यार आई एम रियली सॉरी फिर से, क्योंकि एक वीडियो बनाया और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। आई होप ये वीडियो अब तक जल्दी आएगा। तो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।